आजकल बहुत ही बारिश हो रहा है सिक्किम पर, सिक्किम डुबाने वाला है इस बारिश ने। अब चाहिँ म चाहिँ हैन यहाँनिर मुला उठाउन जान्दैछु, पानी चाहिँ झन् ठुलो पर्न थाल्यो हैन, यहाँनिर चाहिँ मुला उठाएकै छैन रहेछ, यसलाई चाहिँ यहाँनिर नभित्नेमा राख्नुपर्छ। तो अभी सब रेडी हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 छः खिड़कियों पे कलर लग चुका है। अब इसके बारे में एक प्रयोग आया है यहाँ पर। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, हिंदी भाई लोग भी देख सकते हो क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी किया है, तो देखो अच्छे से है ना, मजे करो। हेलो गाइस, फिर पनि मेरे चैनल में स्वागत छ। आज को भिडियो पनि इंट्रेस्टिंग होने है ना, आज चाहिँ हल्का अब विलेज में के काम हुन्छ। आज को काम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब हल्का यहाँनिर घरको हैन अब खिड्की हुँदै चाहिँ कलर गर्नुपर्ने छ। आज चाहिँ हल्का अब कलर गर्न त आउँदैन कि त्यति साह्रो, तर पनि अलिकति लगाइदिउँ न त। तो आज हम करने वाला है घर का काम क्या है मैं देखा दूंगा आपको। यहाँ पर पल्ला है, पल्ला बोलते हैं इसको, खिड़की जो ये खिड़की है इस पर कलर लगाने वाला है ना। फर्स्ट कलर चाहिँ यहाँनिर सिस्टरले लगाउन गइरहेछ, लगाउँदैछ हैन, लगाइसकेको छ हो। यहाँनिर चाहिँ अरू खिड्कीहरू पनि लगाइसकेको छ हैन, यो पल्ला हुँदै चाहिँ हल्का अब यो चाहिँ कलर हैन खासमा प्राइमर, अहिले चाहिँ प्राइमर मात्रै लगाउँदैछ यहाँनिर, यसको बादमा चाहिँ कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले हैन फिटेर चाहिँ मजाले फिट्नुपर्छ यसलाई चाहिँ, अन्त चाहिँ लगाउनुपर्छ। यहाँनिर निकै लगाइसकेको छ, यहाँ पर देख सकते हो कैसे कलर लगा रही है मेरा बहन, तो ठिक सरह से लगाओ। अभी तो ये प्राइमर लगा रही है, ये प्राइमर लगाने के बाद लगाते हैं कलर, इसके बाद रंग लगाना पड़ता है। ये देखिए अच्छे से लगा रही है। यहाँ पर खिड़की पर काली मकई भी है, इसे मकई कहते हैं। यहाँ पर जूता कहते हैं इसे, ये जूता बनाकर यहाँ पर रखा गया है और इसी पे रंग लगाना है, तो ये खोल के लगाना है। अभी यहाँ पर खोल के रखा है थोड़ा खिड़कियाँ, तो इस पर लगा चुका है, तीन खिड़की पे तो हो गया है और यहाँ पर चौथा होने जा रहा है। तो आपको बाहर का मौसम भी दिखा दूंगा, बाहर का मौसम इस तरह का है, जो बारिश हो रहा है आजकल बहुत ही बारिश हो रहा है सिक्किम पर, सिक्किम डुबाने वाला है इस बारिश ने, तो बारिश ही बारिश हो रहा है सिक्किम, देखो। अब चाहिँ म चाहिँ हैन यहाँनिर मुला उठाउन जान्दैछु, मुला उठाएको छैन रहेछ नि त, पानी पर्दा पनि यहाँनिर भिजिगयो होला सबै, पानी चाहिँ झन् ठुलो पर्न थाल्यो हैन, यहाँनिर चाहिँ मुला उठाएकै छैन रहेछ, खै हैन, अब यहाँ मुला उठाएको छैन रहेछ, अब यहाँ सबै भिजिगयो हैन, तर पनि ठिकै छ, अब उठाएर राखिदिन्छु, फेरि घाम लाग्यो भने चाहिँ सुकाउनु पर्ने हुन्छ। मुला चाहिँ यहाँनिर उठाइदिउँ न त, ओएमजी सबै भिजेछ त यार, जल्दी बामा पानी निकै पऱ्यो, चिसो यो मुला चाहिँ होइन फेरि सिम्की बनाउनुको लागि सुकाएको रहेछ, तर के गर्नु अब पानीले भिजिगयो, त्यो त होइन म पनि लुत्रुकै नै हुनु आँटेँ, यहाँनिर लुत्रुकै हुनु आँट्यो। मुला चाहिँ सबै भिज्यो, किन नउठाएको भनेर सोधेको के, अब पानी पुरै पर्दैछ र रिसले नै नउठाएको अरे, अब अरे छु 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 छु, यसलाई चाहिँ यहाँनिर नभित्नेमा राखिदिनुपर्छ। आहा, यहीँनिर राखिदिने हो यसलाई होइन, भोलि फेरि घाम लाग्यो भने चाहिँ निकाल्ने हो। भिज्यो 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 भिज्यो, मुला चाहिँ उठाएर आयो होइन पुरै, अब भिज्यो पनि अलिकति, अब चाहिँ मेरो खास काम छ नि त होइन, कलर गर्नुपर्ने छ गाइस। अब चाहिँ होइन मेरो टर्न आयो पालो कलर गर्ने, यो चाहिँ प्राइमर मात्रै हो, हल्का लगाइदिउँ न त होइन, खासै चाहिँ आउँदैन होइन, तर पनि अब ट्राई हो, हेर्नुहोस् होइन कस्तो हुँदैछ, आइ गयो त्यति भए त अन्त ओपी हुँदैछ कलर चाहिँ, हौ नआउँदा पनि खतरा लगाइदिन्छु नि हो यस्तो कलर त, यसरी पनि हाँस्नु भयो। हेर्नुहोस् कति फास्ट लगाउँदैछु, ए ल देखा त
पोखी गयो यहाँ तार पिन चाहिँ सबै पोखी गयो हैन अचानक म यहाँ खुट्टा लागेर तर पनि केही छैन अलिअलि पोख्दा तो अभी सब रेडी हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 6 खिड़कियों पे हाँ कलर लग चुका है। अब इसके बारे में एक रह गया है यहाँ पर, ये यहाँ का वेंटिलेशन है, इसको भी लगा देता हूँ, इसको भी कलर, इसको भी चकाचक कर देता हूँ और इसको भी लगाना है, इसको भी ऐसे निकाल के लगा दूँगा, इसको इसको बाद में देख लूँगा, पहले तो इसको चकाचक करना है। फर्स्ट टाइम कलर लगाए भने यस्तो हुन्छ है गाइस, है ना, पहली बार कलर लगाने से ऐसा होगा। देखो यहाँ पर कैसा हाल हो गया है, ऐसा प्लास्टिक अच्छा को थे मात्र नत्र सब सीमेंट में लगने है ना कलर, सब गीला हो गया, सब गीला हो गया यहाँ पर। अब तो यहाँ एउटा रहेको छ हैन, त्यहाँदेखि चाहिँ यो पिछाड़ी को बारी आउँछ हैन। अब मौसम पुरै खराब हुँदैछ यार, पानी के साह्रो परेको हो यस्तो लाग्यो म चाहिँ, से बाहिर पुरै धुम्मा भइसक्यो। अब चाहिँ यो खिड्कीलाई तोड्नु पनि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यसलाई पनि कलर गर्नु पनि हुन्छ। ओएमजी, टाइट रहेछ नि त। यस, यो मक्कैलाई चाहिँ यहाँ राखिदिउँ भित्र। देख सकते हो किस तरह से मैंने खिड़की को उठाया है। सो गाइस, यो चाहिँ फाइनल खिड़की हो हैन, सक्यो मेरो आजको काम पनि। अब यसलाई राखिदिनु पर्ने हुन्छ, यसलाई यहाँनिर राखिदिउँ न त हैन। सामानहरू छ हैन, यो सामानहरूलाई चाहिँ अब ठेकान पार्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ अब राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, भोलि पनि काम लाग्छ। हिलै यहाँनिर चाहिँ पुरै होइन गिला भइरहेको छ, हिलै भएको छ, यसलाई राखौँ बन्द गरेर यिनीहरूलाई पनि यहाँनिर राखिराखौँ, यसलाई यसलाई पनि यहाँ राखिदिउँ। अझै दुईवटा रुम बाँकी छ होइन, अब यो रुम चाहिँ सक्यो, आजको काम चाहिँ यति नै हो। सो गाइस, आजको भिडियो चाहिँ यतिमै राख्छु, पानी पनि ठुलो पर्दैछ होइन, अब चाहिँ यति नै गरेको, पुरै ढाड दुख्यो भन्नु त मिल्दैन होइन, साँच्ची नै ढाड दुख्दो रहेछ। सो होइन, भोलि भेटौँ अर्को भिडियोमा होइन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू आउँछ यस्तै होइन, मजा आउँछ। सो सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु, सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्, भिलेज लाइफस्टाइल आउँछ मजा मजाको। सो अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई।